पिछले कुछ समय से भारत पाकिस्तान चीन की सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ड्रोन से निपटने के लिए पुणे के बघोली में भारतीय सेना के अधिकारी सदानंद चौहान ने एक अलर्ट मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एयर इंडिया में सदानंद चौहान के काम का जायजा लिया। जल्द ही सिस्टम लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल सदानंद चौहान ने बताया कि सिस्टम का नाम फील्ड डिप्लॉयर बल सैटेलाइट नेविगेशन स्नूपिंग सिस्टम यानी कि FSNS है और यह एक जैमर की तरह काम करता है। बता दें कि ड्रोन का उपयोग दुश्मन द्वारा पाकिस्तान से सटे पंजाब, जम्मू और कश्मीर राज्यों के सीमा वाले क्षेत्रों में सेना के गतिविधियों, स्थान और शिविरों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। भौगोलिक फैलाव अधिक होने के कारण भारतीय सेना और BSF के जवानों के लिए हर जगह नजर रखना संभव नहीं है। दुश्मन देश इसका फायदा उठाकर सीमा क्षेत्र से ड्रोन की मदद से वीडियो और फोटो लेता है, युद्ध की रणनीति में इसका इस्तेमाल करता है। दिल्ली में आयोजित इंडियन आर्मी आइडिया एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन में इस सिस्टम को दिखाया गया और इसका नाम दिया गया। सेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको 3 महीने में लागू किया जा सकता है और उनके इस कार्य के लिए बघोली शहर के सामाजिक और राजकीय व्यक्ति ने उनको सम्मानित किया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जम्मू, पंजाब तथा LOC के एरियाज में दुश्मन की ड्रोन की गतिविधियां काफी बढ़ गई है, बट इसी के खिलाफ वहां पे तैनात हमारे जो सोल्जर्स हैं और BSF तथा पैरामिलिट्री के जवान हैं, उनके पास इसके खिलाफ क्षमता थोड़ी सीमित है। ये जो सिस्टम हमने डिजाइन किया है, ये सिस्टम हमारे सोल्जर्स को यही एंटी ड्रोन क्षमता प्रदान करता है।